तुम जैसे भी हो ना वैसे ही रहने दो, क्योंकि अगर बिगड़ गए तो संभाले ना जाओगे। वो बचपन के दिन याद हैं, जब तुम कैसे भी नाच लेते थे, कैसे भी गा लेते थे, अपने आप को जब तुम आईने में देखते थे तुम्हें सिर्फ तुम ही नजर आया करते थे और कुछ भी नहीं। वो समय याद है तुमको? पर फिर अचानक क्या हुआ, जैसे जैसे तुम बड़े होने लगे तुमने मुखौटे पहनने चालू कर दिए, लोगों की बातों पे विश्वास करना चालू कर दिया कि नहीं तुम्हें ऐसे नहीं चलना चाहिए, ऐसे नहीं उठना बैठना गाना नाचना इस तरह से नहीं करना। और धीरे धीरे करके तुम बदलते गए और इतना बदल गए कि अब जब तुम अपने आप को आईने में देखते हो तो तुम्हें अपना अक्स कुछ और ही नजर आता है। पता है सबसे पहला काम जो किसी भी काम के पहले तुम्हें करना है वो ये है कि अपने आप को, अपने अक्स को वैसा ही बनाना है जैसे तुम हो, ना कि वैसा कि जैसे दूसरे तुम्हें देखना चाहते हैं। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो तभी आएगा जब हम जैसे हैं वैसा पोर्ट्रे करें सबके सामने। अगर चलते दौड़ते गिर गए हो तो फिर से उठ खड़े हो, तुम बिरले ही नहीं हो जो पहली बार इस दुनिया में गिरे हो। अगर तुम नाच रहे हो और लोगों को पसंद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, तुम्हें तो पसंद आ रहा है, नाचो खूब नाचो, जैसा मन करे वैसा नाचो। जरूरी नहीं है कि सब लय और ताल में ही नाचे। अगर तुम गाना गा रहे हो तो गाओ, जी भर के गाना गाओ, आखिर तुम्हारा गाना जो है वो तुम्हें तो पसंद आ रहा है ना। भले ही किसी को ना आए लेकिन दिल खोल के गाओ। किसी भी तरह के मुखौटे पहनने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे तुम्हें नजर आएगा कि ये जो लोग हैं जो तुम्हें कई बार कुछ भी बोल जाते थे, अचानक तुम्हारे इस पागलपन के कारण ही तुम्हारे तरफ आकर्षित हो रहे हैं और उन्हें भी मजा आने लगेगा और वो लोग खुद डरना बंद कर देंगे अपना ऑथेंटिक सेल्फ तुम्हारे सामने दिखाने के लिए। क्योंकि तुम जैसे हो वो इनहेबिटेड नहीं हो, तुम्हें ये देखना ही पड़ेगा कि वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो कि तुम्हें रोक रहे हैं तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ बनने में। वो कौन से ब्लॉकेजेस हैं जो कि तुम्हें रोक रहे हैं इस वक्त, ताकि तुम अपना ऑथेंटिक सेल्फ लोगों के सामने रख ही नहीं पा रहे हो और उसी कारण तुम्हारे इतने सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं और इसी कारण तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी अब कम से कम होता जा रहा है। मत विश्वास करो लोगों की कही सुनी बातों को, क्योंकि लोग सिर्फ तुम्हें ये बताएंगे कि तुम्हें क्या नहीं करना है। सिर्फ तुम ही जान सकते हो कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि तुम्हारे गोल्स क्या हैं और तुम्हारी राहें कहाँ तुम्हें ले जाएंगी ये सिर्फ तुम ही जान सकते हो। और वो तुम्हें तब ही समझ में आएगा जब तुम ऑथेंटिक हो अपने आप के लिए। और जब हम बिना किसी संकोच और विचार के जैसे हैं वैसा ही सामने रखते हैं दूसरों के, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दूसरों को भी साफ साफ नजर आता है और वो ही चीज आपको आगे ले जाने में मजबूती देगी। इसीलिए जैसे हो बस वैसे रहो, किसी की कहा सुनी पे विश्वास मत करो, लोग तो बस बोलते रहेंगे। लोगों का क्या है, उनका तो काम ही है कहना, है कि नहीं? हम लेकिन कैसे हैं ये सबसे बेहतर है, इस चीज पे विश्वास रखो, मुझसे अच्छा कोई नहीं। और जो मैं हूं वैसा इस दुनिया में भी कोई नहीं, सच कह रही हूँ, विश्वास करो। यू आर द बेस्ट, डोंट चेंज फॉर एनीवन।